जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। आप देख रहे हैं आपका YouTube चैनल टेक राजकुमार दास मोबाइल एंड रेल इंफो चैनल। तो आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं 5 ट्रेनों में अस्थायी रूप से डिब्बों की बढ़ोतरी के बारे में। आप में से काफी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करो और वीडियो को एंड तक देखो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय रेलवे ने लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए 5 ट्रेनों में अस्थायी रूप से डिब्बों की बढ़ोतरी की है, ताकि सफर करने के दौरान लोगों को ज्यादा भीड़ का सामना न करना पड़े। रेलवे ने बीकानेर दिल्ली सराय, बीकानेर दिल्ली सराय उदयपुर दिल्ली सराय, बीकानेर दादर बीकानेर, जयपुर दिल्ली कैंट जयपुर एवं दिल्ली कैंट बठिंडा दिल्ली कैंट रेल सेवाओं में विभिन्न श्रेणी के डिब्बों की अस्थायी बढ़ोतरी की जा रही है। ट्रेन नंबर 22471 और 22472 बीकानेर दिल्ली सराय बीकानेर रेल सेवा में बीकानेर से 12 जनवरी 2024 से 31 जनवरी 2024 तक तथा दिल्ली सराय से 14 जनवरी 2024 से 2 फरवरी 2024 तक एक थर्ड एसी श्रेणी डिब्बे की अस्थायी बढ़ोतरी की जा रही है। ट्रेन नंबर 20409 और 20410 दिल्ली कैंट बठिंडा दिल्ली कैंट रेल सेवा में 13 जनवरी 2024 से 1 फरवरी 2024 तक एक सेकंड जनरल क्लास डिब्बे की अस्थायी बढ़ोतरी की जा रही है। ट्रेन नंबर 14707 और 14708 बीकानेर दादर बीकानेर रेल सेवा में बीकानेर से 12 जनवरी 2024 से 31 जनवरी 2024 तक एवं दादर से दिनांक 13 जनवरी 2024 से 01 फरवरी 2024 तक एक थर्ड एसी क्लास डिब्बे की अस्थायी बढ़ोतरी की जा रही है। ट्रेन नंबर 19701 और 19702 जयपुर दिल्ली कैंट जयपुर रेल सेवा में जयपुर से 12 जनवरी 2024 से 31 जनवरी 2024 तक तथा दिल्ली कैंट से 14 जनवरी 2024 से 02 फरवरी 2024 तक एक सेकंड जनरल क्लास डिब्बे की अस्थायी बढ़ोतरी की जा रही है। ट्रेन नंबर 20473 और 20474 दिल्ली सराय उदयपुर सिटी दिल्ली सराय रेल सेवा में दिल्ली सराय से 12 जनवरी 2024 से 31 जनवरी 2024 तक तथा उदयपुर सिटी से 13 जनवरी 2024 से 1 फरवरी 2024 तक एक थर्ड एसी क्लास डिब्बे की अस्थायी बढ़ोतरी की जा रही है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें और नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।